सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके संग करने वाली हूँ थोड़ी सी चिट चैट और उन क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ जो आपने कमेंट्स के थ्रू मेरे से पूछे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ, आपने मुझे क्वेश्चंस किए, आपने मुझे कमेंट्स किए, आप मुझे लाइक करते हैं मेरी वीडियो को, एंड ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। फिलहाल बहुत छोटे से शुरू कर रही हूँ, कुछ ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपने चाहा तो और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, मेकअप से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड और स्किन केयर से रिलेटेड। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हैं मेरे पास, थोड़े से क्वेश्चंस हैं। जस्ट बिकॉज यार आप इतने से कमेंट्स करते हो, थोड़े ज़्यादा कमेंट्स किया करो, अपने क्वेश्चंस पुट अप करो ताकि मैं उसका आंसर कर पाऊँ आपको, ठीक है ना। तो अब से कमेंट करना, हर वीडियो पे कमेंट करना, कुछ गलती लगे तो भी आप बता सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, श्रेया दीप ने 2 महीने पहले कमेंट किया था, मेरे एक शॉट था, उस शॉट में मैंने ड्राई शैम्पू का किया था। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि दी ये सेफ़ तो है ना, तो हाँ बड़ी ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसे रेगुलर बेस पे यूज़ ना करें, कभी कभी ओकेजनली आप कर सकते हैं। जैसे आपका कोई बहुत स्पेशल डे है और वो स्पॉइल होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेयर्स, तो आप उस दिन इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक बार दो बार, मंथ में एक बार दो बार बिल्कुल सेफ़ है, कम से कम 3 बार तो मैंने यूज़ किया हुआ है ऐसे, तो मेरे को तो इसने कोई रिस्पॉन्स ख़राब नहीं दिया, मेरे लिए तो बिल्कुल सेफ़ था। एंड मेरी सेंसिटिव स्कैल्प है, थोड़ी सी ऑयली स्कैल्प है, इचीनेस कुछ नहीं होती, कोई ड्राइनेस नहीं होती, बिल्कुल सेफ है, थम्स अप है इसकी साइड से। ओके, तो नेक्स्ट मेरे पास एक और कमेंट आया था इंतिहा आमीन का, आई होप मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, कि आपने अपना फाउंडेशन कैसे सेलेक्ट किया अपने लिए, ये परफेक्ट शेड है, प्लीज़ टेल मी हाउ डिड यू सेलेक्टेड द परफेक्ट शेड ऑफ यू। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए, किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के लिए, ये आज भी एक क्वेश्चन है कि आप कैसे अपना परफेक्ट शेड लेते हैं। देखिए कुछ टिप्स होती हैं परफेक्ट शेड देखने की, वो आज आपके संग शेयर करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा नहीं तो मिस कर जाएंगे और परफेक्ट शेड नहीं मिलेगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जो आपको आपकी स्किन से 100% मैचिंग फाउंडेशन दिलवाने में हेल्प करता है। कभी किसी ने नहीं बताया ना, मैं बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे एंड वहाँ पे सर्च करना है फिंडेशन। तो वहाँ पे सबसे पहले रिसेंटली 2 ही ऑप्शन आएंगे, आपका ब्रांड नेम एंड कौन सा यूज़ करो, मतलब उसमें रेंजेस हैं। अगर आप मेबलिन फिट मी करो, देखो मेबलिन फिट मी की रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है, उसमें जो आपका नियरेस्ट शेड हो, या मुझे तो पूरी उम्मीद है देखो सबका परफेक्ट शेड मिल जाता है उसके अंदर, वो परफेक्ट शेड ले लो, वो परफेक्ट शेड उस foundation.com पे जाके आप सबमिट कर दो और वहाँ से आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि आपके स्किन टोन के हिसाब से, आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कौन सा परफेक्ट शेड है, ठीक है। ये तो हो गया उन लोगों के लिए भाई जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अब आती है बारी ऑफलाइन शॉपिंग वालों की। तो देखो बात क्या है यहाँ पे, कि आपको ये भी नहीं पता कि आपका फ़र्स्ट फाउंडेशन कैसे परचेस करना है, आपको ये भी नहीं पता कि मेरा फ़र्स्ट फाउंडेशन मेरी स्किन पे सूट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आपने क्या करना, सबसे पहले अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो मेक श्योर करना कि ऐसा प्रोडक्ट लें जो अच्छे जाने माने ब्रांड का हो, लाइक मेबलिन, ये हर किसी को सूट कर जाता है, लैक्मे ये हर किसी को सूट कर जाता है। तो ये 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, 2-3 ब्रांड्स ऐसे हैं जो हर किसी को सूट करते हैं, जो ड्रग स्टोर हैं, जो अच्छे अफोर्डेबल्स हैं, ठीक है, इनमें जाना ताकि आपको आपका शेड मिल जाए। यहाँ से यहाँ तक का स्वॉच लेना एंड जो आपके स्किन टोन से ज़्यादा नियर हो वो वाला शेड पिक करना। आप एक शेड लाइट भी पिक कर सकते हैं जस्ट बिकॉज बहुत सारे फाउंडेशंस ऐसे होते हैं जो बाद में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो वो ऑक्सीडाइजेशन से बचने के लिए आप एक शेड लाइट भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे स्वॉच करेंगे ना यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता चलेगा आपका परफेक्ट शेड कौन सा है। आप कहेंगे कि हमारा ये अलग है ये अलग है, तो आपको उसी की हेल्प से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा आपका परफेक्ट शेड, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। थर्ड हो गया जो बेसिक, बिल्कुल बेसिक है, जब किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं लाइक मी, ठीक है, आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं और आपको पता है कि यार इसका कॉम्प्लेक्शन तो मेरे जैसा है, ये जो कर रही है ना ये मेरे पे भी सूट हो जाएगा, तो आप मेरे जैसा फाउंडेशन परचेस कर सकते हैं। लाइक मैं मेबलिन फिट मी में 220 शेड नेचुरल बेज यूज़ करती हूँ, तो आप भी वो यूज़ कर सकते हैं, उसके आसपास का शेड मैच कर सकते हैं। लाइक आप थोड़े से डार्क हैं तो आप उसे डार्क कॉम्प्लेक्शन पे जा सकते हैं, डार्क शेड पे जा सकते हैं, आप थोड़े से लाइट है तो आप लाइट शेड पे जा सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, राइट, हो गई। तो चलो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे नायरा का, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया है SFR की पैलेट में जो एक शॉट है, उन्होंने पूछा है प्राइस। तो
बात ऐसी है कि इसका प्राइस ऊपर नीचे चलता रहता है, हर वेबसाइट पे ऊपर नीचे चलता रहता है, कुछ फिक्स नहीं है। अब आपको 300 में भी मिल जाएगी, किसी टाइम पे 700 900 से शुरू हुई थी और मैंने जब परचेस की थी तो 560 550 की ऐसी समथिंग परचेस की थी। तो इसका कुछ फिक्स नहीं है, आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ईजिली परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है श्रेयदीप का क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है, मैम ओलिविया पैन स्टिक और पैनकेक में क्या डिफरेंस होता है और इसे कैसे यूज़ होता है? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, दोनों ही वाटरप्रूफ हैं, दोनों ही ब्राइडल्स पे जाते हैं, बट ये स्किन टू स्किन और वेदर टू वेदर चेंज होता है। लाइक अभी जैसे इस वक्त गर्मियों का मौसम है तो अगर हम क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं ना तो थोड़ी देर में वो क्रीज़ हो जाता है, और जो प्रोडक्ट हमें लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, लाइक 6 घंटा 8 घंटा यूज़ करना है, तो उसके वक्त हम रिस्क नहीं ले सकते। तो हम जाएंगे पैन केक पे, जो कि एक सॉलिड फॉर्म है, उसे अच्छे से हमारे ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया जाता है हमारी स्किन के ऊपर। अब बात आती है पैन स्टिक की, तो वो एक क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है जो ईजिली क्रीज कर जाता है। अगर वही आप क्रीम प्रोडक्ट ठंड में यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है कि आप आई लैशेस कैसे अप्लाई करते हो, वो हमें ज़रूरत है। तो ठीक है, मैं आपके संग एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी आई लैशेस कैसे अप्लाई की जाती हैं। एंड गाइज, अगर इससे रिलेटेड और भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक। ओके, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है कि मैंने थोड़े टाइम पहले एक हिमालय अंडर आई क्रीम का रिव्यू किया था, उसमें मुझे पूछा गया है कि ये सेफ़ तो है कि हम इसे लगा के धूप में जा सकते हैं? तो देखिए, ये एक मॉइस्चराइज़र है, मैं आपको बताऊँ, आपकी अंडर आइज़ के लिए एक मॉइस्चराइज़र है। मैं इसे काफ़ी लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रही हूँ और उसे यूज़ करते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मेरी आइज़ के नीचे थोड़ी ड्राइनेस हो जाती है ना, उस टाइम ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। बट अगर मैं बात करूँ कि ये डार्क सर्कल्स को हटा देता है या पिगमेंटेशन कम कर देता है, तो पर्सनली मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, क्योंकि ना तो मेरे डार्क सर्कल्स हैं ना मेरी पिगमेंटेशन है, तो मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं हुआ है। बट हाँ, आप इसे लगा के सनलाइट में जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज़ जस्ट अ क्रीम। ठीक है, ये सिर्फ एक क्रीम है, बट मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। सनस्क्रीन लगाने के बाद आपकी जो प्रोटेक्ट है ना पूरी चेहरे की, हाथ पैर की, सब जगह की, वो अच्छे से होती है। तो सिर्फ इसकी बदौलत आप सनरेज में मत जाना, सनलाइट में मत जाना कि इसको लगा लिया तो सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ अंडर आई क्रीम है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है कि आप अपना स्किन केयर शेयर कीजिए, आप अपने स्किन की केयर कैसे करते हैं? तो ठीक है, जल्दी मैं आपके संग अपना स्किन केयर शेयर करूँगी, वीकली भी, मंथली भी और एवरीडे भी। देखिए, स्किन की केयर रोज़ करनी होती है, ये तो आपको पता है ना, तो मैं आपके संग वो शेयर करूँगी ताकि आपको पता चले मेरी स्किन पे कैसे पिगमेंटेशन नहीं है, कैसे डार्क सर्कल्स नहीं है, कोई पिंपल, एक्ने या किसी भी तरीके की कोई और प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मेरी जो इस वक्त स्किन है ये मेकअप के अंडर भी फ्लॉलेस है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पिंपल भी नहीं है। समटाइम्स एक पिंपल आ जाता है ना तो मुझे वो भी इरिटेट करता है, मैं उसको भी फटाफट से हील कर लेती हूँ। कैसे, तो वो भी मैं आपके संग शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। एंड गाइज, ऐसे ही अपना प्यार इन कमेंट्स में, इन लाइक्स में देते रहिए। तब तक मिलती हूँ मैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।